morning, students. So, what we'll do today in this class? Today, in this class, we'll start our chapter number 10th. Okay? इस क्लास में हम लोग अपना जो चैप्टर नंबर 10th जो है, उसे स्टार्ट करेंगे. And our chapter number 10th is money. Okay? अपना chapter number 10th क्या है? Money. बेटा money क्या होता है? Money मतलब हम किसी से कोई भी चीज खरीदते हैं. ओके या किसी को कुछ बेचते हैं तो उसके एक्सचेंज में हमें वो मनी प्रोवाइड करवाता है. मनी क्या होती है? करेंसी होती है, किसी भी प्लेस की करेंसी होती है. ओके जैसे हमारी इंडिया की करेंसी क्या है? आर इंडियन करेंसी इज रुपीज. ओके हमारी इंडियन करेंसी क्या है? रुपीज. यूएसए में डॉलर. ओके यूके में पौंड. दुबई में दरम. ओके तो ये क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट प्लेस की जो करेंसीज हैं. ओके कि हम कोई भी मतलब मनी को एज अ करेंसी यहां बोला जा सकता है. ओके सो स्टार्ट. जो हमारी इंडियन करेंसी जो है वो नोट्स में एंड कॉइन्स में है. ओके सो एक्सप्रेस मनी इन फिगर्स एंड वर्ड्स. मनी को फर्स्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर में हमारा? कि मनी को फिगर्स में और वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है. वी नीड मनी टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट. हमें बाजार से कुछ भी खरीदना होता है तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? वी नीड मनी. हमें मनी की जरूरत होती है. इंडियन करेंसी इज इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स. इंडियन करेंसी जो है वो किस चीज के फॉर्म में होती है? नोट्स के फॉर्म में एंड कॉइन्स के फॉर्म में. ओके सो इंडियन करेंसी इज इन फॉर्म ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स. जो नोट्स एंड कॉइन्स जो होते हैं उनके फॉर्म में होती है इंडियन करेंसी. इंडियन मनी इज इन रुपी एंड पैसा. जो इंडियन मनी जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? रुपी एंड पैसे के फॉर्म में होते हैं. ओके इंडियन मनी किस चीज के फॉर्म में होते हैं? रुपीज एंड पैसे के फॉर्म में होते हैं. ओके व्हेन वी राइट रुपीज एंड पैसे टुगेदर वी यूज डॉट. जब भी हम रुपीज को, ये होता है बेटा साइन ऑफ सिंबल ऑफ रुपीज. ओके सो जब भी हम रुपीज को और पैसे को राइट डाउन करते हैं तो उन दोनों के बीच में हम एक पॉइंट यूज करते हैं. पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो नंबर होते हैं वो होते हैं रुपीज एंड पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो होते हैं पैसे. ओके पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखा होता है दैट्स इन रुपीज एंड पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर लिखा होता है दैट्स इन पैसे. ओके सो ये जो डॉट जो है ये रुपीज एंड पैसे को सेपरेट करता है. ओके फॉर एग्जाम्पल 16 रुपीज 65 पैसे. जो 16 रुपीज 65 पैसे है इनको कैसे राइट डाउन करेंगे? रुपीज 16 पॉइंट फिर पैसे है ना तो 65 पैसे. ओके नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे. ओके 1 रुपी इक्वल्स टू क्या होता है? 100 पैसे. 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे होते हैं. कन्वर्टिंग ऑफ रुपीज एंड पैसे कि रुपीज को पैसे में एंड पैसे को रुपीज में हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके सो देखते हैं. जैसे मैंने कहा 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे. 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे होते हैं. 5 रुपी इक्वल्स टू 5 इंटू 100. 10 रुपी इक्वल्स टू 10 इंटू 100. जैसे 18 रुपी इक्वल्स टू 18 इंटू 100. ओके ये तो हो गया रुपीज में. अब हमें पैसे कन्वर्ट करने हो तो क्या करेंगे? ये तो रुपीज इंटू पैसे हो गया. पैसे इंटू रुपीज करेंगे तो रुपीज इंटू पैसे करने पर अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो पैसे इंटू रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे. जैसे 800 पैसे हैं इनको रुपीज में कन्वर्ट करना है तो 800 डिवाइड बाय 100. ओके जैसे 500 पैसे हैं इनको रुपीज में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100. ओके पैसे इंटू रुपीज कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं एंड रुपीज इंटू पैसे अगर हमें कन्वर्ट करने हैं तो इंटू 100 हम करते हैं. ओके नेक्स्ट
एक्सरसाइज आती है हमारी. बेटा देखो, हाँ यहाँ पर देखो कुछ नोट्स है हमारे पास. कॉमन मिस्टेक्स, हम कौन से कॉमन मिस्टेक्स करते हैं कि ओके सो जब भी हम रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करते हैं, ओके सो जब भी हम पैसे राइट डाउन करते हैं पॉइंट के राइट साइड में, तो हमें कभी भी टेंस प्लेस से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, या फिर जो नंबर की जो लेफ्ट पार्ट है वहां से हमें कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए. अगर हमें 8 रुपीज लिखने तो 0.08 होना चाहिए, ओके मतलब 2 डिजिट में पैसे होते हैं, ओके. फिर आती है हमारे पास एक्सरसाइज 10.1, जिसमें कि क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन वर्ड्स. क्या करना है, इन अमाउंट्स को आपको वर्ड्स में राइट डाउन करना है. 14 रुपीज 65 पैसे, 23 रुपीज 92 पैसे, 68 रुपीज 63 पैसे, 89 रुपीज 6 पैसे, ओके. इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन में ये जो अमाउंट्स हैं इनको आपको फिगर में लिखना है, रुपीज 8.63 पैसे, ओके रुपीज 29.74 पैसे, ओके. इसी तरीके से आपको ये राइट डाउन करनी है. नेक्स्ट है आपको कन्वर्ट करना है, ये जो रुपीज है 18 रुपीज इनको आपको पैसे में कन्वर्ट करना है, देन 65 जो है ये आपको ऐड कर देना है. रुपीज इनटू पैसे कन्वर्ट करोगे तो इनटू 100 होता है, ओके. देन कन्वर्ट द पैसे इनटू रुपीज, पैसों को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं, ओके. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्लास. यू हैव टू सॉल्व योर एक्सरसाइज 10.1 as your homework, and if any student is having any problem, any doubt related to this chapter, you can ask to me, okay? Bye.